हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जावा में टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एट रन टाइम। कैसे हम रन टाइम में यूजर से इनपुट लेंगे किसी भी गिवन वेरिएबल में। जैसे सपोज हमने कोई मेमोरी बनाया जावा में INT से INTN। अब इसमें दो तरीके से हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, n नाम से एक मेमोरी रिजर्व करेगा जिसका टाइप डिफाइन कर देगा इंटीजर। अब इस इंटीजर मेमोरी में हमको वैल्यू स्टोर करना होता है। तो वैल्यू स्टोर करने का दो तरीका होता है। एक तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं स्टैटिकली, और एक होता है कि डायनेमिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो डायनेमिक वैल्यू जो स्टोर होता है ये रन टाइम में डिसाइड होता है, और ये प्रोग्रामर के थ्रू, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम डेवलप कर रहा है उसके थ्रू ये डिसाइड होता है। ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, तो डिसाइडेड बाय प्रोग्रामर, ठीक है, और डेवलपर जो बोल दीजिए उसको, ठीक है, डेवलपर के थ्रू ये वैल्यू डिसाइड होगा। और डायनेमिक में जो वैल्यू डिसाइड होता है ये हमारा रन टाइम, डिसाइडेड एट रन टाइम, यानी कि रन टाइम में बाय यूजर, जो उसका यूजर होगा उस सॉफ्टवेयर का, उस एप्लीकेशन का, उसके थ्रू ये डिफाइन होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको अगर हमको प्रोग्रामर के थ्रू डिसाइड करना है तो प्रोग्रामर क्या करेगा, n इज इक्वल टू 25 स्टोर कर देगा। तो ये क्या हुआ, n में क्या स्टोर हो गया, इस n मेमोरी में 25 स्टोर हो गया। अब यही ये इसमें फिक्स पता चल रहा है, जैसे हमने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू 5 प्लस n, तो यहाँ हमको पता है कि n का वैल्यू क्या है, गिवन है n इज इक्वल टू 25, सो a का वैल्यू भी हमको पता है जिसका वैल्यू क्या होने वाला है, 30। बट यही अगर हम दे दें कि हमारा पास a इज इक्वल टू b प्लस c है, और वैल्यू ऑफ b एंड c, वैल्यू ऑफ इसके पहले क्या है, वैल्यू ऑफ b एंड c इज डिसाइडेड बाय है ना यूजर एट रन टाइम। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ये हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ बी और सी हमारा रन टाइम में डिसाइड होगा। सो ए का वैल्यू भी हमारा रन टाइम में ही डिसाइड होगा। तो ज्यादातर जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे वैल्यूज होते हैं जो हमको रन टाइम में यूजर से ही इनपुट लेने होते हैं। जैसे अगर सिंपल सा एक हम कैलकुलेटर का बात करते हैं, तो कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद उसमें क्या इनपुट होगा, क्या डेटा इनपुट होगा, किस वो सब कुछ जो डिसाइड होता है वो कैलकुलेटर का यूजर डिसाइड करता है कि वो 5 प्लस 4 करने वाला है, या 5 मल्टीप्लाइड विद 6 करने वाला है, या 25 प्लस 95 करने वाला है, या 25 माइनस 65 करने वाला है। मतलब एवरीथिंग जो भी उसमें है, यानी कि जो वैल्यू इनपुट होगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वैल्यू इनपुट होगा, वो सब कुछ रन टाइम में कौन डिसाइड करता है, हमारा यूजर डिसाइड करता है। तो यही हमको सीखना है कि रन टाइम में, यानी कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में चला गया, उस मोड में कैसे हम यूजर से इनपुट लेंगे किसी भी गिवन मेमोरी लोकेशन में, ये हम इस टॉपिक में आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हमें इरेज कर देता हूँ, क्या है ये। तो रन टाइम में यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास जावा में दो मेथड दिए गए हैं, दो क्लासेस अवेलेबल हैं, है ना, दो डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम रन टाइम में यूजर से इनपुट लेंगे। अब वो कौन कौन से क्लासेस हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयर आर टू क्लासेस अवेलेबल इन जावा टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एट रन टाइम। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट क्लास है आपका, पहला जो क्लास है वो है बफर रीडर क्लास, ठीक है। अब याद रखिए ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा, तो हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको यूज करना होगा। बफर में बी कैपिटल विदाउट स्पेस दिए, फिर रीडर होगा जिसमें आर कैपिटल होगा, बफर रीडर क्लास। और सेकेंड आपका है स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास में एस कैपिटल है, ठीक है, स्कैनर क्लास। ये हम ऐसे लिख रहे हैं, क्लास का नाम स्कैनर है और बफर रीडर है। इन दोनों क्लास के हेल्प से हम रन टाइम में यूजर से इनपुट लेते हैं। और ये जो बफर रीडर क्लास है, ये आपका ये दोनों क्लास जो है प्री डिफाइंड क्लासेस हैं।
सो ये क्लासेस कहीं ना कहीं डिफाइन करके स्टोर किए गए हैं। तो जो बफर रीडर क्लास स्टोर किया गया है ये आपका स्टोर हुआ स्टोर है आपका इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर, और जो स्कैनर क्लास है ये यूटिलिटी पैकेज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। सो अगर आप बफर रीडर क्लास को यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, और अगर स्कैनर क्लास को यूज करना चाहते हैं तो आपको यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। यानी कि बफर रीडर क्लास यूज करते हैं तो आपके प्रोग्राम के टॉप पर लिखना होगा इम्पोर्ट इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार स्टार लिखिए, या फिर आप पूरा का पूरा यहाँ बफर रीडर लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आईओ पैकेज का सारा क्लास आप इम्पोर्ट कर लिए, और अगर पर्टिकुलर क्लास नेम दे दीजिएगा बफर रीडर, तो आप क्या कर सकते क्या सिर्फ बफर रीडर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप बफर रीडर, इस तरह से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा केवल आईओ पैकेज का बफर रीडर क्लास इंपोर्ट होगा। लेकिन स्टार लिखने का लिख दिए अगर आप, तो इसका मतलब है कि आपने इस इनपुट आउटपुट पैकेज के सभी क्लासेज को इंपोर्ट कर लिया, बफर रीडर क्लासेज को भी इंपोर्ट कर लिया, इनपुट स्ट्रीम रीडर और भी जो जो क्लासेज होंगे उनको भी आपने इंपोर्ट कर लिया। आप यूज भले ही उसमें से किसी एक क्लास को कीजिए, बट इंपोर्ट आपने सारे क्लासेज को कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास को कैसे इसको अगर यूज करना है तो आपको क्या इंपोर्ट करना होगा, तो इसको यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा यूटिलिटी क्लास को, तो यूटिलिटी पैकेज को। तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो आपको टॉप में लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट util, यूटिलिटी पैकेज का नाम util है, पूरा नाम नहीं यूटिलिटी नहीं लिखना है, और डॉट और उसके बाद स्टार। स्टार का मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्या करता है स्टार मीन्स आपने यूटिलिटी पैकेज के सभी क्लासेज को इंपोर्ट कर लिया। अब आप यूज उसमें से सिर्फ स्कैनर को करेंगे वो अलग बात है, बट आपने इंपोर्ट सभी क्लासेस को कर लिया, या फिर अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल यूटीआईएल डॉट स्कैनर। ठीक है, यूटीआईएल स्कैनर आपको लिख के सेमी कोलन देना होता है। इसमें आपने क्या किया पर्टिकुलर स्कैनर क्लास को यूटिलिटी पैकेज के पर्टिकुलर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, यानी कि आप सिर्फ स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं, इस पैकेज के अनदर क्लासेस को आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन इस केस में आप अनदर क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे। अब इनको यूज कैसे करेंगे वो देखिए, तो इंपोर्ट कर लिए ताकि हम यूज कर सकें। अब बफर रीडर क्लास को जब हम यूज करते हैं तो जनरली हम लोग ये वाला स्टेटमेंट ही लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाला यही लिखेंगे, क्योंकि हमको आईओ पैकेज बफर रीडर क्लास को यूज करने के लिए हमको दो क्लास की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो इनपुट स्ट्रीम रीडर है ना, आईओ पैकेज के अंदर ही एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है जिसका सिंटेक्स में आई कैपिटल है नाम में आइडेंटिफायर में, और स्ट्रीम में एस कैपिटल है विदाउट स्पेस, और फिर रीडर में आर कैपिटल है। तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को हमको यूज करना होता है, और उसके बाद फिर बफर रीडर क्लास को यूज करना होता है। दो दो क्लास हमको आईओ पैकेज का यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दो बार इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर और फिर जावा डॉट इन डॉट आईओ डॉट बफर रीडर। तो दो बार इंपोर्ट कर स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि एक बार में ही आप स्टार लिख दीजिए, और आपका क्या हो जाएगा बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर दोनों क्लास की एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाएगा, और दोनों क्लास आप यूज कर पाइएगा। तो जब भी हम बफर रीडर क्लास यूज करेंगे टू टेक अ इनपुट, तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट इंपोर्ट लिखेंगे, और स्कैनर के लिए सिर्फ आपको स्कैनर क्लास ही यूज करना होता है स्कैनर से इनपुट लेने के लिए। सो स्टार लिखना कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ स्कैनर लिख कर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कल फर्स्ट नौ से बारह वाले में करोगे करना होगा नहीं 10 से।
तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के लिए हमको बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को यूज करना होगा। तो अब एक एक करके हमको यूज करने सीखते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और एक एक करके हम दोनों को सीखेंगे। सबसे पहले हम बफर रीडर क्लास यूज करते हैं, बफर रीडर क्लास, इस क्लास को हम लोग यूज करेंगे टू टेक अ इनपुट। तो इसको कैसे यूज करना है बफर रीडर क्लास को देखिए। तो सपोज आपको सबसे पहले लिखना क्या है ऊपर में, तो आपको अभी मैंने बताया कि इम्पोर्ट लिखना है और जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार, ये सबसे ऊपर होगा जो क्लास क्रिएट करने का स्टेटमेंट लिखते हैं ना, क्लास और क्लास नेम, उसके भी ऊपर ये वाला स्टेटमेंट आपको टाइप करना होगा, इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार। अब बफर रीडर को यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसी भी क्लास के मेम्बर को एक्सेस करने के लिए हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सो बफर रीडर के मेंबर को एक्सेस करना है, क्योंकि बफर रीडर के पास कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि रन टाइम में यूजर्स इनपुट मांगते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट बफर रीडर के ऑब्जेक्ट बनाते समय जो हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में, उस कंस्ट्रक्टर में हमको इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो इसको बनाने का पहला जो तरीका है वो पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर के लिए आपको अलग से कुछ कोई पैकेज को आपको इंपोर्ट नहीं करना, क्योंकि आपने स्टार लगा दिया तो आईओ के अंदर ही इनपुट स्ट्रीम रीडर है, तो ये भी आपका एक्सेसिबिलिटी में अवेलेबल है। तो आप इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई एन, या आप कोई भी, ये चूंकि आइडेंटिफायर होता है ये ऑब्जेक्ट नेम, तो ये यूजर पर यानी प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या रखेगा। नॉर्मली लोग आई एन रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ओ बी ओ बी वन, ठीक है, इज इक्वल टू। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, तो आपको लिखना होता है न्यू, न्यू ऑपरेटर यूज करना होता है, देन इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर का कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करना होता है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या पास करना होता है, तो सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या करता है, यह आपके इनपुट डिवाइसेस को एक्टिवेट करता है ताकि आप इनपुट डिवाइस को यूज कर सके टू टेक अ इनपुट, है ना, एट अ रन टाइम। और इसके बाद इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद आप फिर आप बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जस्ट बाद भी बना सकते हैं या दो तीन स्टेटमेंट के बाद भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इस ऑब्जेक्ट को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो बफर रीडर, है ना, बफर्ड रीडर, और इसका ऑब्जेक्ट नेम, तो इसका ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, क्योंकि आइडेंटिफायर के लिए आप फ्री होते हैं कोई भी नाम यूज करने के लिए, बस उसका रूल जो है वो फॉलो कर लेना है कि कैरेक्टर अल्फाबेट्स डिजिट्स और अंडरस्कोर और डॉलर यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट डॉलर और अंडरस्कोर होगा, डिजिट नहीं होगा। तो उन रूल्स को फॉलो करना है, कीवर्ड्स को आज आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं, तो वो सारे रूल फॉलो करते हुए आप यहाँ नाम कोई भी डिसाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हम अभी नाम डिसाइड कर दे रहे हैं बीआर, नॉर्मली लोग बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बीआर ही लग देते हैं, और न्यू, अब यहाँ पर बफर रीडर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, तो बफर रीडर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको जो आर्ग्यूमेंट पास करना होता है इस कंस्ट्रक्टर में, ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर पास करना होता है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर पास करेंगे, इसी के कारण से हमको इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब एक तो तरीका ये है, अब इसका दूसरा जो तरीका है, कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, ये जो दो लाइन में हमने दो स्टेटमेंट में बनाया बफर रीडर का ऑब्जेक्ट, पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का बनाया फिर बफर रीडर का बनाया, अब इसमें जो इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो ऑब्जेक्ट है इसका सिर्फ एक ही पर्पस था यहाँ पर, उसको एज ए आर्गुमेंट बफर रीडर में पास करना, और कोई काम नहीं। तो इससे अच्छा है कि जो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसको हम एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना करके उन्हें पास कर दें, जिसका सिर्फ काम होगा यहाँ पास हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में अवेलेबल भी नहीं होगा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। तो इसको हम सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, और वो सिंगल स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बफर्ड रीडर और ऑब्जेक्ट नेम, सपोज हमने बी आर ही लिया है, और न्यू, और यहाँ पर हमने लिखा बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर, और इसके जहाँ पर हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो आई एन यहाँ दिख रहा था, उसके जगह पर हम ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, न्यू
और इसके बाद हम लिखेंगे इनपुट, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट, यहाँ से ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिख देंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, यही है ना, सिस्टम डॉट इन, बस। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि आपको उसका नाम नहीं पता यहाँ चल रहा, बट यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास हुआ जिसके थ्रू ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम लोग बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इधर ये दो स्टेटमेंट सेपरेटली लिखकर या एक ही स्टेटमेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट पास करके इनपुट स्ट्रीम रीडर का। तो नॉर्मली हम लोग ये यूज करेंगे, इसमें हमारा काम आसान हो जाएगा एक ही स्टेटमेंट में, लोग यहाँ दो भी स्टेटमेंट यूज कर दें तो ये दूसरा तरीका हो गया बनाने का। अब बफर रीडर का एक बार जब आप ऑब्जेक्ट बना लिए तो इस ऑब्जेक्ट के बनने के बाद आपको दो मेथड आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से मेथड मिल जाएंगे टूटे का इनपुट, एक मेथड मिलेगा आपके पास रीड मेथड और एक मेथड मिल जाएगा आपके पास रीड लाइन मेथड। रीड लाइन में एल कैपिटल है विदाउट स्पेस, है ना, यहाँ स्पेस नहीं है रीड और लाइन के बीच में। तो दो मेथड आपको बफर रीडर में मिलता है, एक रीड मेथड और एक रीड लाइन मेथड। ये जो मेथड होता है ये किस लिए यूज होता है, तो टू टेक अ कैरेक्टर इनपुट, ये किस लिए यूज होता है, टू टेक अ कैरेक्टर इनपुट। कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए आपका यूज होता है कौन सा, रीड मेथड, ठीक है। और ये जो रीड लाइन मेथड आपके पास यहाँ मिलता है ये इनपुट यूज होता है टू टेक अ स्ट्रिंग इनपुट। स्ट्रिंग इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट कहने का मतलब कि आपका सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है, सेंटेंस हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, ये सब आपके पास आ सकते हैं इनपुट लेने के लिए। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए आपके पास बफर रीडर के पास दो मेथड है, रीड और रीड लाइन। बट हमेशा अब आप स्ट्रिंग और कैरेक्टर ही इनपुट लीजिएगा ये तो पॉसिबल है नहीं, कभी आप इंटीजर भी इनपुट लेना चाहेंगे, डबल टाइप भी इनपुट लेना चाहेंगे, फ्लॉट भी है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो हर तरह के इनपुट लेने होंगे। तो उस केस में आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना, जो भी आप इनपुट लीजिएगा थ्रू द रीड लाइन, है ना, ये रीड लाइन के थ्रू आप इनपुट ले लिए तो ये स्ट्रिंग इनपुट कर लिया। अब इस स्ट्रिंग इनपुट को आपको कन्वर्ट करना होगा पर्टिकुलर डेटा टाइप में टू स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसके पास सभी डेटा टाइप्स के इनपुट के लिए अलग अलग मेथड अवेलेबल नहीं है बफर रीडर के पास। ये इसका एक क्या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन है, या इसके पास इतना मेथड अवेलेबल नहीं है कि अलग अलग डेटा मेंबर्स के लिए अलग अलग मेथड बना के रखे हुए हो और उसके थ्रू आप इनपुट ले सकें। तो इसके पास सिर्फ रीड लाइन और रीड है, तो रीड तो कैरेक्टर हो गया, लेकिन अब अगर आप नंबर्स इनपुट लेते हैं तो नंबर्स में दो कैरेक्टर आ जाता है, जैसे 52 और 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का पता नहीं होता, तो रीड तो यूज नहीं होगा, रीड लाइन यूज होगा। तो नंबर अब तो उसको कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट किस में करना होगा, जैसे अगर इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए कि इंटीजर वेरिएबल बनाए n और इसमें यूजर से इनपुट लेना है, तो आपको क्या करना होगा, n इज इक्वल टू आप इनपुट लेने के लिए तो यूज कीजिएगा रीड लाइन, तो रीड लाइन के लिए आप लिख दिए br डॉट बफर रीडर का ऑब्जेक्ट के थ्रू आप रीड लाइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही रीड लाइन एक्सेस होगा क्योंकि वो बफर रीडर का मेंबर है। ये इनपुट ले लिए, अब ये जो इनपुट हुआ स्ट्रिंग में इनपुट हुआ, आप स्टोर कर रहे हैं इंटीजर मेमोरी में तो होगा नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो उसके लिए आपको एक मेथड, एक रैपर क्लास मिलता है और वो रैपर क्लास है इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, रैपर क्लास है इंटीजर और इंटीजर के पास एक पार्स आईएनटी नाम का मेथड है जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन तब करेगा जब ये जो स्ट्रिंग है ये कोई डिजिट में हो, जैसे 5, 6। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग में ए और बी इनपुट हो गया, ए और बी, ए बी, तो इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर इनपुट भी होना चाहिए स्ट्रिंग में ही है, इनपुट होना चाहिए 56, तभी ये इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। अगर यही स्ट्रिंग इनपुट लेना हो, जैसे सपोज एक वेरिएबल हमने बनाया स्ट्रिंग str और इसमें इनपुट लेना है, तब तो हम डायरेक्ट लिखेंगे str इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमको स्ट्रिंग में स्टोर करना है, स्ट्रिंग इनपुट हो ही रहा है तो डायरेक्ट असाइन कर देंगे। यही अगर कैरेक्टर इनपुट लेना होगा, कैरेक्टर वेरिएबल ले लिए ch और इसमें इनपुट लेना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको लिखना होगा ch, इसके लिए दो तरीका है, ch इज इक्वल टू लिखना होगा आपको यहाँ पर br डॉट रीड, लेकिन ये चूंकि इसमें एरर आ सकता है तो इसको हम कैर में कन्वर्ट कर देते हैं, कि अगर कुछ भी हो तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके सी एच में स्टोर हो, तो इस तरह से लिखना होगा, या फिर
इसको ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं, सी एच इज इक्वल टू, आप यही रीड लाइन यूज कीजिए, ठीक है। तो आप क्या किए, बी आर डॉट रीड लाइन यूज कर लिया। अब रीड लाइन क्या करेगा, आपसे स्ट्रिंग इनपुट लेगा, लेकिन स्ट्रिंग का सिर्फ पहला कैरेक्टर इसमें स्टोर करना है, तो आप उसके बगल में डॉट ऑपरेटर लगा के लिख सकते हैं कैर एट जीरो, यानी कि आपने सिर्फ जीरोथ लोकेशन का वैल्यू, जीरोथ लोकेशन का जो कैरेक्टर है उसको एक्सेस करके सी एच में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टर इनपुट लेने का, सी एच इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, ये पूरा स्ट्रिंग इनपुट हुआ। जैसे सपोज अगर यहाँ यूजर ने इनपुट कर दिया ए बी सी, तो लेकिन कैर एट जीरो क्या करेगा, इसमें से सिर्फ कैरेक्टर ए को पिक करेगा, जीरोथ लोकेशन के कैरेक्टर को पिक करके सी एच में स्टोर कर देगा और बी और सी को नेग्लेक्ट कर देगा, इसको रिस्टोर ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं, और ये तो डायरेक्ट सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट लेगा और उसको सी एच में स्टोर कर देगा कन्वर्ट करके कैर में। तो ये था हमारा रीड और रीड लाइन। और बाकी जो आपके पास ये जो रैपर क्लासेज हैं हर इन टाइप डेटा टाइप के लिए, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इंटीजर के लिए तो आपको यहाँ पता ही चल गया, इंटीजर में अगर इनपुट लेना है तो आपको इनपुट लेने के बाद उसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी के हेल्प से, पार्स आई एन टी मेथड के हेल्प से। यहाँ पर बी आर डॉट रीड लाइन होगा इस मेथड के अंदर। दूसरा, अगर डबल में इनपुट लेते हैं तो आपको लिखना होगा डबल, याद रखिएगा जो हम कैपिटल में लिख रहे हैं वो कैरेक्टर कैपिटल होगा, जैसे यहाँ डबल का डी कैपिटल, इंटीजर का आई कैपिटल, पार्स इंट में आई कैपिटल, स्पेस नहीं है पार्स और आई एन टी में, डॉट फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पार्स और डी कैपिटल विदाउट स्पेस दिए और यू बी एल ई डबल, पार्स डबल, ठीक है। और इसमें हो जाएगा बी आर डॉट रीड लाइन, तो ये जो भी स्ट्रिंग इनपुट होगा उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग, लॉन्ग अगर इनपुट लेते हैं तो आपको लिखना होगा लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ठीक है। इसी तरह अगर आप बुलियन वैल्यू इनपुट लेते हैं तो उसके लिए लिखना होगा बुलियन, बुलियन डॉट पार्स बुलियन, ठीक है। तो याद करना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि हर डेटा टाइप के से रिलेटेड जो मेथड है रैपर क्लास के पास या रैपर क्लास है वो उसी डेटा टाइप के नाम से है, इंटीजर है तो इंटीजर है, डबल लॉन्ग बुलियन, ठीक है, और पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स लॉन्ग और पार्स बुलियन। तो इस तरह से इनपुट लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ वेरिएबल बनाया इंट एन और फ्लॉट, फ्लॉट एफ, और भी कुछ वेरिएबल हम बना ले रहे हैं, डबल, डबल में डी, ठीक है, और कैरेक्टर में सी एच, स्ट्रिंग में हमने बना लिया एक्स, और सपोज बुलियन में हमने बना लिया, बुलियन में, बुलियन स्मॉल में यूज होता है बी, बुलियन में हमने एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, सब में इनपुट लेना है। तो हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ मैसेज में दिया इंटर इंटीजर वैल्यू, इंटर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर इंटर इंटीजर वैल्यू। अब ये लिखकर हमने छोड़ दिया, अब इनपुट कैसे लेना है, तो एन में, तो एन इज इक्वल टू, अब बफर रीडर का ऑब्जेक्ट हम सपोज बना चुके हैं बी आर नाम से, है ना, वो पूरा स्टेटमेंट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमको लिखना होगा इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स इंट, है ना, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में लिखना होगा वो इनपुट लेने वाला मेथड, यानी कि बी आर डॉट रीड लाइन मेथड, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग इनपुट होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा और एन में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर फिर दूसरा मैसेज लिखें इंटर डबल वैल्यू, और फिर इसको कैसे इनपुट लेंगे, तो डी इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, पार्स डबल, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे बी आर डॉट रीड लाइन मेथड, ठीक है। इसी तरह अगर हमको लिखना है x में, तो x हमारा स्ट्रिंग है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट लिखेंगे बी आर डॉट रीड लाइन मेथड, इसको कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करना, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही इनपुट हो रहा है। फ्लॉट में अगर लेना है तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू फ्लॉट डॉट पार्स फ्लॉट, पार्स फ्लॉट, ठीक है, और बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। अगर हमको कैरेक्टर में लेना है तो इसके लिए तो दो तरीका है, एक तो तरीका है आपको लिखना होगा कैर और बी आर डॉट रीड, ठीक है,
और दूसरा तरीका हो जाएगा, इसके अलावे दूसरा तरीका जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी एच इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन है ना, और डॉट कैरेट जीरो, कैरेट जीरो, ठीक है, इस तरह से इनपुट लेना होगा। और बूलियन, बूलियन बी में अगर इनपुट लेना है तो हम क्या लिखेंगे, तो बूलियन, बूलियन डॉट पार्स, पार्स बूलियन, ठीक है, पार्स बूलियन, बूलियन डॉट पार्स बूलियन, और यहां पर हो जाएगा बी आर डॉट रीड लाइन मेथड। तो ये ये सारे तरीके हैं इनपुट लेने के लिए। इस पर एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं और फिर समझते हैं। जैसे अगर हमको एक क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इंटर टू नंबर्स, टू नंबर्स, फाइंड एंड प्रिंट, फाइंड एंड प्रिंट सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, ठीक है, क्या करना है, दो नंबर इनपुट करके उसका सम प्रिंट करना है कि वो क्या है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो क्वेश्चन, जो प्रोग्राम बनेगा उसमें सबसे ऊपर में हमको लिखना होगा इंपोर्ट, अब यहाँ कंप्लीट हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ क्लास का नाम टोटल रख दिए, ठीक, और इस क्लास के अंदर आ गए डिफाइन करने। अब यहाँ कुछ मेंबर बना लिए, तो दो नंबर इनपुट करके स्टोर करना है, तो दो मेंबर हम इंटीजर टाइप बना लिए, एन वन और एन टू, और एक टोटल स्टोर करने के लिए एक एस बना लिए, एस, तो तीन वेरिएबल हमने बनाए, तीनों इंटीजर। अब इनपुट लेने के लिए एक मेथड बना रहे हैं, तो यहाँ हम बना रहे हैं पब्लिक वॉइड, क्योंकि कोई भी काम, किसी भी तरह का काम करना होगा, सिंपल से सिंपल वर्क अगर हमको परफॉर्म करना होगा तो विदाउट मेथड हमारा वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे, एक इनपुट मेथड बना लिए, ठीक है, और इस इनपुट मेथड में हमको क्या करना, इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हम एक ही लाइन में जो बनाने वाला सिखाए वो हम लिखते हैं, स्पेस कम यूज होगा, बफर रीडर, ठीक है, बफर रीडर, ऑब्जेक्ट का नाम बी आर ही रखते हैं, इज इक्वल टू न्यू। अब ये बी आर हर बार अगर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यही फिक्स है, आप यहाँ कोई और नाम भी यूज कर सकते हैं, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बी आर इज इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पर बफर रीडर का कंस्ट्रक्टर यानी कि बफर रीडर, और यहाँ पर हमको क्या करना होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम रीडर का पास करना होगा, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, और इसमें हमको पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, ताकि इनपुट डिवाइसेज एक्टिवेट हो जाए टू टेक इनपुट, ठीक है। तो इस तरह से हमने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इनपुट लेना है। तो देखिए बफर रीडर का ऑब्जेक्ट जिस आप बनाइएगा तो उस मेथड में यहाँ पर आपको लिखना होगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ये लिखना होगा। अब इसके लिखने के पीछे कारण है, ये कारण इसलिए है, ई एक्स सी ई, यहाँ पर है सी ई पी टी आई ओ एन, ठीक है, आईओ एक्सेप्शन में आई ओ ई कैपिटल है, ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन स्मॉल है, और थ्रोज, और यहाँ स्पेस है थ्रोज के बाद। तो ये क्यों लिखते हैं कि बफर रीडर के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर कोई इनपुट में एरर आए, ठीक है, तो उसको वो थ्रो कर सके कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को, ताकि वो उससे रिलेटेड जो भी एरर मैसेज हो डिस्प्ले कर सके। तो इसके पास इतना नहीं है, इसलिए हमको मैनुअली यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली हमको यहाँ थ्रो करवाना पड़ता है आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन अगर कोई आता है इनपुट आउटपुट में, तो उसको जैसे हम अभी बताएं ना कि इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इनपुट ही अगर यूजर ए बी सी डी में कर दिया तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस समय एरर आएगा, तो उस एरर को सेंड करना पड़ता है जावा के पास, ठीक है, कंपाइलर उसके इंटरप्रेटर के पास, ताकि वो उससे रिलेटेड जो भी एरर मैसेज उसको डिस्प्ले कर सके। तो वो थ्रो करने का कैपेसिटी बफर रीडर के पास नहीं है, तो वो हम लोग फोर्सफुली थ्रो करवा रहे हैं थ्रोज के थ्रू, और किसके पास थ्रो करवा रहे हैं, तो आईओ एक्सेप्शन नाम का एक हैंडलर है, एक्सेप्शन हैंडलर जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक्सेप्शन को हैंडल करता है, उसके पास हमने सेंड कर दिया। अगर कोई एरर आता है तो ये सेंड करेगा, अदरवाइज नहीं, लेकिन इसको लगाना जरूरी है, बिकॉज इसके बिना एरर आ जाएगा, क्योंकि ये बार बार बोलेगा कि आपका जो है वो बफर रीडर थ्रो नहीं कर पा रहा है।
अब यहाँ पर ये लगाने के बाद आपको इनपुट लेना है दो नंबर, तो आप यहाँ मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो मैसेज के लिए मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आपको प्रिंट या प्रिंट एलन मेथड यूज करना होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमने क्या ये मैसेज क्या मेथड कौन सा मेथड यूज किया, प्रिंट मेथड, और यहाँ पर हमने मैसेज डिस्प्ले किया इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, और यहाँ पर इंटर ए नंबर या इंटर फर्स्ट नंबर जो लिखिए, और यहाँ पर इनपुट लेंगे एन वन में, तो एन वन में इनपुट लेने के लिए बफर रीडर का हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो आपको कन्वर्ट करना होगा, तो लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, और यहाँ पर लिखेंगे बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है, बी आर डॉट रीड लाइन मेथड, इस तरह से इनपुट हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा मैसेज यहाँ डिस्प्ले करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हम यहाँ लिख रहे हैं इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, और ये हम इनपुट ले रहे हैं किसमें, एन टू में, तो एन टू इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, क्योंकि ये भी एन टू भी इंटीजर वेरिएबल ही है, तो पार्स इंट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी आर डॉट रीड लाइन मेथड, हो गया, दोनों इनपुट ले लिए। अब हमको क्या करना है, इसको क्लोज करिए, इनपुट मेथड का काम करता हूँ, अब हम कैलकुलेट मेथड बनाएंगे, तो पब्लिक पब्लिक void कैलसी नाम का एक मेथड बना लिए, और इस मेथड में हमको सिंपल एक टास्क करना है, s इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, अभी कोई रिटर्न टाइप मेथड नहीं, अभी इसके बाद एक डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं, तो पब्लिक पब्लिक void डिस्प, जिसमें हम ये टोटल को प्रिंट करेंगे, सारे टास्क के लिए हमने अलग अलग मेथड बनाया है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप एक ही मेथड में सारा टास्क भी कर सकते थे लेकिन नॉर्मली कहा जाता है कि आप जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्क है तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड के अंदर रखिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट एलन, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम क्या चीज़, तो टोटल इज इक्वल टू, और यहाँ पर टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टोटल किस में स्टोर किया गया, एस में, तो यहाँ एस का वैल्यू डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने ये मेथड बना लिया। अब हमको बनाना है मेन मेथड, क्योंकि विदाउट मेन मेथड स्टार्ट नहीं हो पाएगा हमारा प्रोग्राम, तो हम यहाँ बनाएंगे मेन मेथड, तो क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, ए आर जी एस, है ना, ये भी हमने सारा डिस्कस कर दिया है पिछले लेक्चर्स वीडियो में कि ये स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको भूल गए होंगे तो पीछे से देख लीजिएगा वीडियो को, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इन तीनों मेथड को वन बाई वन एक्सेस करना है, तो पब्लिक इस मेन मेथड टोटल क्लास का मेंबर है, तो ये चाहे तो इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर करेगा तो एरर आएगा, क्यों नहीं एरर आएगा, क्योंकि ये चाह कर भी इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है इसी क्लास का मेंबर होने के बावजूद, क्योंकि ये है स्टैटिक और ये इनपुट कैलसी और डिस्प क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो स्टैटिक मेंबर कभी भी नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो इसको स्टैटिक मेंबर एक चाहिए जिसके थ्रू इनको एक्सेस कर ले, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने अंदर एक टोटल का ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, टोटल क्लास का, तो टोटल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओ बी इज इक्वल टू न्यू टोटल, तो इससे क्या हो गया कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट बना है स्टैटिक मेन के अंदर, सो ये ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक हो गया, तो ऑब्जेक्ट स्टैटिक हो गया तो फिर कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट अब कैसे एक्सेस करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए एक्सेस कर पाएगा इनको, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम ये भी पढ़ें कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट को वो सारे मेंबर्स मिलते हैं जो जो उस क्लास में डिफाइंड होते हैं, इस क्लास में N1, N2, S, इनपुट कैलसी डिस्प ये सारे डिफाइंड है, ये सारा मेंबर ऑब्जेक्ट को मिला, और ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो इसके लिए ये सारे मेंबर भी स्टैटिक हो गए, ठीक है, तो जब इसके लिए सारे मेंबर स्टैटिक हो गए तो अब ये इन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है, तो सबसे पहले हम ओ बी के थ्रू इनपुट मेथड को एक्सेस करेंगे, तो इनपुट मेथड को हमने एक्सेस कर लिया, इसके बाद हम किसको एक्सेस करेंगे, इनपुट मेथड एक्सेस करने के बाद कैलसी मेथड, ताकि हमारा कैलकुलेट हो जाए, है ना, और उसके बाद हम एक्सेस करेंगे ओ बी डॉट डिस्प मेथड को, ताकि हमारा डिस्प्ले हो जाए रिजल्ट, इसके बाद मेन मेथड का वर्क खत्म, मेन मेथड क्लोज किए और क्लास का भी वर्क खत्म, तो क्लास को भी क्लोज किए, तो आपको समझ में आ गया कैसे ये रन टाइम में हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो ये था बफर रीडर का यूज करके इनपुट लेना। अब इसी में डबल इनपुट लेना होगा तो आपको डबल डॉट पार्स डबल, अगर बुलियन लेना होगा तो बुलियन डॉट पार्स बुलियन,
उस तरह से आपको यूज करना होगा। तो इस प्रोग्राम को आप रन करके देखिएगा, जब आप रन कीजिएगा तो आपका मेन फंक्शन रन करेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सब आपको बैकएंड में होगा सो दिखेगा नहीं, सिर्फ इनपुट फंक्शन जब कॉल होगा तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इंटर ए नंबर, आप एक नंबर इनपुट कीजिएगा वो N1 में स्टोर हो जाएगा, देन इंटर सेकेंड नंबर वो N2 में स्टोर, जो भी आप इनपुट कीजिएगा वो स्ट्रिंग में इनपुट होगा बट कन्वर्ट होकर वो इंटीजर डॉट पार्स इंट के थ्रू N1 और N2 में स्टोर हो जाएगा, देन कैलसी कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक और वो कैलकुलेट कर देगा, ये भी आपको बैक एंड में होगा सो आपको दिखेगा नहीं, और उसके बाद डिस्प कॉल होगा, ये आपका क्या करेगा, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा टोटल इज इक्वल टू और वैल्यू ऑफ एस जो कि कैलसी ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, सो एस का वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, इसके बाद ये क्लोज हो गया मेन मेथड, सो आपका प्रोग्राम यहाँ के बाद खत्म और आप नेक्स्ट प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट या नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने चले जाइएगा। इस तरह से हम लोग प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको प्रोग्राम बनाया, यहाँ सिर्फ हमको ये सिखाना था कि कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं। एक और चीज, चूंकि आप यहाँ पर इनपुट मेथड को कॉल कर रहे हैं और इनपुट मेथड में आप बफर रीडर यूज किए हैं, तो आपको यहाँ पर मेन फंक्शन के आगे भी यहाँ पर भी आपको थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखना होगा, यहाँ पर भी आपको थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखना होगा, जैसे हमने इनपुट के आगे लिखा है एज इट इज, आपको यहाँ पर भी आपको थ्रोज आईओ एक्सेप्शन करना होगा, ठीक है, समझ में आए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको बता ही दिए क्योंकि बफर रीडर ऑटोमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर हमको मैन्युअली फोर्सफुली एक्सेप्शन में थ्रो एरर को थ्रो करना पड़ता है आईओ एक्सेप्शन नाम के हैंडलर के पास। तो आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया, बफर रीडर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हमें आपको स्कैनर क्लास के बारे में बताऊंगा, कैसे स्कैनर का यूज करके हम इनपुट लेते हैं एट ए रन टाइम, ठीक है, और इसके बाद फिर ये दोनों का यूज करके कुछ प्रोग्राम्स हम डेवलप करेंगे और उन प्रोग्राम्स को मैं रन करके आपको है ना दिखाऊंगा कि कैसे वो रन हो रहे हैं और कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप अगर आपको ऐसे मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे प्रोग्राम को रन करवाना है, इसको सेव कैसे करेंगे, तो इसको टोटल डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे, ठीक है, और सेव करके आप रन करवा लीजिएगा, आपको सिखाया गया है ऑलरेडी कि कैसे रन करवाना है, तो आप रन करवा के खुद से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं सेकेंड इसके बाद एक स्कैनर का वीडियो बनाने के बाद मैं इसको रन करवा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।